दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। 2024 चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश को मणिपुर में तगड़ा झटका, 6 में से 5 जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल। राष्ट्रपति की चौखट पर पहुंची आप, बीजेपी की सियासी लड़ाई, दोनों दलों के नेता करेंगे मुलाकात, ऑपरेशन लोटस की शिकायत करेगी आप। जल्द होगा शिंदे सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार, राज्य सरकार में हो सकते हैं 23 और मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में करेंगे चर्चा। सीएम योगी का बड़ा फैसला, एनसीआर की तर्ज पर बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, अधिकारियों को दिए काम तेज करने के निर्देश। शिवपाल सिंह यादव का ऐलान, सपा के साथ जाना ऐतिहासिक भूल थी, अब कोई संबंध नहीं रखेंगे। तेलंगाना में आज होगी कैबिनेट बैठक, सीएम केसीआर करेंगे बैठक की अध्यक्षता, कई अहम फैसलों पर लगेगी मोहर। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जेडीयू प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज, प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी मीटिंग, 2024 को लेकर होगी चर्चा। एशिया कप में हांगकांग की शर्मनाक हार, 38 पर ऑल आउट, रविवार को फिर भारत पाकिस्तान का मैच। यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में बदलेगा मौसम, अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। ब्रिटेन में जारी पीएम बनने की रेस, ऋषि सुनक रेस में पिछड़े, टैक्स कटौती जैसे वादों ने लिज ट्रस को किया आगे। कोलंबिया में विस्फोटक हमले में 8 पुलिस अधिकारियों की मौत, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने जताया दुख। अमेरिका से हथियार खरीदेगा ताइवान, यूएस ने 1.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मंजूरी दी। चांद तक जाने को नासा एक बार फिर तैयार, मिशन आर्टेमिस 1 होगा लॉन्च, पिछली बार फेल हुआ था प्लान। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, पीएम शाहबाज ने मांगी मदद। जीएसटी को लेकर सख्त नियम, 5 करोड़ से अधिक की मिली जीएसटी चोरी तो माना जाएगा अद्यतन चोर, होगी सख्त कार्रवाई। मोबाइल ऐप से लोन देने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, आरबीआई ने जारी किए दिशा निर्देश, लोन की बकाया राशि पर ही ब्याज वसूल सकेगी लोन देने वाली फिनटेक कंपनी। आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज, सर्वोच्च न्यायालय में होगी मामले की सुनवाई, परियोजनाओं को देरी से पूरा करने का आरोप। विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब अमेरिकी डॉलर घटा, आरबीआई के आंकड़ों में खुलासा। सैमसंग ने की एप्पल को ट्रोल, गैलेक्सी S22 अल्ट्रा और गैलेक्सी Z Flip 4 को किया फ्लॉन्च। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।